गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज वैभव, यू वाचिंग स्कॉर्पियन वीडियो यूट्यूब चैनल। सो ऑल्दो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये ब्लॉग किस बारे में होने वाला है, सो एक बार फिर कनाडा के बाद एक दोबारा इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल ट्रैवल हमारा होने वाला है। सो बेसिकली मैं दिल्ली से अबू धाबी ट्रैवल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली आपको आ गया ब्लॉग से पता चल जाएगा। सो फिलहाल ये बात ऐसी है कि पैकिंग शुरू कर दी है मैंने, एंड आपने देखा होगा कि कल रात में हम लोग काफ़ी सारी पैकिंग्स कर रहे थे, बट इशू ये है कि मेरे पास बैगेज लिमिट 30 kgs है, ठीक है, और सामान थोड़ा बहुत ज़्यादा है। सो अरेंज कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, सो पैकिंग खाते हैं, देन उसके बाद यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर बाद दिल्ली एयरपोर्ट, एंड फिर वहाँ से अबू धाबी, एंड फिर चलते चलते आप लोग को दिखाता रहूँगा पूरा सफ़र कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ स्टे करने वाला हूँ मैं, एंड बाकी आगे की सारी चीज़ें। तो जी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं पूजा के घर, क्योंकि पूजा की मॉम ने गुजियाज़ बनाए मेरे लिए जो कि स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। मैं एक डब्बा ले जा रहा हूँ यहाँ से ताकि इस भर के ले आऊँ मैं गुजियाज़ अपने लिए। तो जी गाड़ी में बैठ गए एंड चलते हैं पूजा के घर की तरफ। ओहो यार, पेट्रोल तो काफ़ी कम है, चलो कोई नहीं, पेट्रोल ही भरवा लेंगे, टंकी फुल करा लेंगे इन केस पापा श्रेया या पूजा को कहीं जाना वाना हुआ उसके लिए। तो यार एक चीज़ जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मिस करने वाला हूँ वो है ये गाड़ी यार, जो गाड़ी की जो आदत बन चुकी है ना, कहीं भी जाना हो गाड़ी निकाल ली, और सबसे बड़ी बात ये प्यारी XUV, इसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगा मैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर तो पता ही यार आप लोगों को किसको मिस करूँगा मैं। तो जी यार जो मेरी फ़्लाइट है वो है इंडिगो की, एंड वो फ़्लाइट रात के कुछ 9 बजे डिपार्ट करेगी एंड वहाँ पर 11 बजे पहुँच जाएंगे। 3-3.5 घंटे का रास्ता है, खैर इतना ज़्यादा तो नहीं है, ऑल दो बट स्टिल जो घर से दूर जाने की जो फीलिंग होती है यार वो मैटर तो करती है। बट स्टिल यार सबसे अच्छी चीज़ है जो अपॉर्चुनिटी मिली है इस बार, सो वो बहुत अच्छी है, एंड जितना भी साल का कॉन्ट्रैक्ट है उतना टाइम वहाँ पे रहेंगे, शिद्दत के साथ काम करेंगे, एंड आप लोग के साथ नई नई कंटेंट शेयर करने की कोशिश मैं ज़रूर करते रहूँगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आप लोग को भी वहाँ की आपको मैं बताते रहूँगा, एंड बस सपोर्ट यार अपना मत छोड़ना, सपोर्ट करते रहना अपने भाई को, लाइक्स सब्सक्राइब एंड शेयर करना चैनल मत भूलना यार। फ्लाइट कैसी रहती है एंड वहाँ पहुँच करके आपको वहाँ के आबू धाबी के नज़ारे से घूम दिखाएंगे।
चलो जी यार, 3.5 घंटे का सफ़र ऑलमोस्ट एंड होने को आ गया है एंड वी आर अप्रोचिंग आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नया वाला बना है, ऑलमोस्ट टच डाउन होने वाले हैं। लाइट्स यहाँ की देखने पर चल ही जाता है कि यार कितना क्लियर इन्वायरमेंट है यहाँ पे, कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। सो बस ऑलमोस्ट लैंड होने वाले हैं। तो जी यार, फाइनली अपना सामान उठा लिया है एंड टैक्सी ले लिया है एंड अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। एंड भाई जो यहाँ की ये जो सड़कें हैं, ये जो निसान पेट्रोल है यहाँ की, ओ हो अलग ही मज़ा है। ये जो नज़ारे हैं, ओए हो हो, और सबसे बड़ी बात गाड़ी की जो स्पीड है यार, एक सडन डिफरेंस देखने को मिलता है जब अब यार इंडिया से यू ए या तो या फिर किसी भी यू नो यूरोपियन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आते हो, अलग ही मजा है यार। और जो सबसे बड़ी बात, अभी रमजान चल रहा है तो यहाँ की जो वाइब्स है वो कुछ अलग ही वाइब्स होती हैं, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ये। तो सारी सड़कों में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइटिंग की हुई है। तो जी फाइनली यार अपने होटल पहुँच चुका हूँ, कॉम्पथॉन डाउनटाउन। एंड होटल यार आपको पीछे से दिख रहा होगा यार कितना अमेजिंग है, कितना मस्त है। सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो एक बेसिक होटल में होती है, नॉट इवन बेसिक, बेसिक से पता ही है आपको यूए के जो होटल्स होते हैं काफ़ी अमेजिंग होते हैं। मैं आपको एक बार रूम टूर करा देता हूँ, बिकॉज अभी गंदा नहीं है रूम, नहीं तो फिर एक बार गंदा हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगले 6 दिन के लिए मैं यहीं पर हूँ एंड देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे आसपास अबू धाबी में, क्योंकि अभी क्या है कि एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। सो उसकी वजह से काफ़ी सारी मेरी जो हैं छुट्टियाँ एक साथ आ जाएंगी। ऑल्दो कल मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि कल मेरी ऑनबोर्डिंग है। सो कल अपना आईडी कार्ड्स एंड वो सब कलेक्ट करने के बाद देन आई विल बी फ्री एंड फिर एक्सप्लोर करते हैं यार होटल के मज़े लेते हैं जब तक होटल में हैं हम लोग। एंड उसके बाद यार घर ढूंढना भी है एंड वो सारी जर्नी अब आपके साथ मिलती रहेगी, आती रहेगी अब आप लोग के साथ। सो सबसे पहले आप ये चेकआउट करो रूम टूर। तो जी सबसे पहले एंटर करती यहाँ पे अपना वॉशरूम, बाथटब, सारी इम्यूनिटीज। उसके जस्ट अपोजिट साइड है वार्डरोब अलोंग विद सेफ, लॉकर भी है एंड छोटा फ्रिज भी है। ऑल द खाली है जो कि अच्छी चीज़ है बहुत, नहीं तो मेरा गला खराब होता, टाइम नहीं लगता। इस तरफ क्या है देखें, हैंगर्स आर देयर, विंग मशीन इज देयर, वेट मेजर करते रहेंगे अगर कम हुआ तो। अब चलते हैं रूम की तरफ। सो ये है अपना किंग साइज रूम, किंग साइज बेड बेसिकली, अपना टीवी और यहाँ आपका भाई जो कि फुल ऑन स्वैग में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई एसी सेल्फ कंट्रोल में है, शेयरिंग एसी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो यार यूएई में सबसे बड़ा एक ये इशू रहता है कि जो एसी होते हैं वो शेयरिंग में होते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ये ऑन भी होता है, ओ वाओ यार यहाँ बैठ के हम पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे यहाँ बैठ के। और क्या दिया है इन्होंने, पानी, कॉफीज़ हैं कुछ और बटर है, बटर होगा जो भी है पता नहीं, डोंट कोट मी अगर गलत हूँ तो। टीवी है, टीवी को देखते हैं कैसे चलता है। इन रूम डाइनिंग मेन्यू, नाइस। एंड देन उसके बाद ये अपनी मस्त महाराजा चेयर, नाइस। ये से चलती है क्या, वाओ वाओ अमेजिंग। तो यार ये था आज का व्लॉग, दिल्ली से दुबई तक की अबू धाबी तक की जर्नी जो कि बहुत ही छोटी थी 3.5 घंटे की। एंड बाकी आगे टाइम में आपको पता चलता रहेगा, आप लोग यहाँ अपने नज़ारे दिखाते रहूँगा। कब तक हूँ यहाँ पे ये मैं कोट नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं। सो फिलहाल देखते हैं, जब तक हैं यहाँ पे एंजॉय करेंगे, घर वाले आते जाते रहेंगे एंड आप लोग कौन से मिलवाते रहेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्लोरिंग पार्ट। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करना एंड शेयर जरूर कर देना। आगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और आने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ कि मेरी जॉब यहाँ पे कैसे लगी, क्या क्या करना पड़ा जिसकी वजह से यहाँ पे आपको यूएई में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।